आपको ले चलते उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ध्वजारोहण किया जा चुका है। और इस मौके पर अपने संबोधन में वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव के प्रथम अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया। अब भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। अब भारत G20 के उन 20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है, जिनके बारे में कहा जाता है G20 के देश दुनिया की 65% आबादी कहां निवास करती है, दुनिया के 80% संसाधनों पर जिनका एकाधिकार है, दुनिया की 85% GDP पर जिनका अधिकार है, और 90% से अधिक पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है, वह है G20 के समूह देश। दुनिया का हर विकसित देश इस G20 के साथ जुड़ा है, समूह के साथ जुड़ा है, और ये हम भारतवासी के लिए गौरव की अनुभूति है, करने का अवसर है कि वर्तमान में आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में भारत G20 के समूह देशों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, और पूरे देश के अंदर अलग अलग समूहों के अलग अलग समिट आयोजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भी G20 के 11 समिट 4 महानगरों में आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी वाराणसी में आगरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद में ये 4 महत्वपूर्ण महानगरों में G20 के 11 समिट आयोजित हो रहे हैं। अलग अलग समय में आयोजित हुए हैं। भारत को वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा को बिखेरने प्रस्तुत करने का एक अवसर है। ये नया भारत हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। भैया बहनों, हम सब ने इस बात को देखा है, पिछले 9 वर्ष में भारत में जो यात्रा प्रारंभ की है वह सचमुच हर भारतवासी को विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ता है, और भारत की जो शानदार यात्रा 9 वर्षों की है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर हो, विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाला क्षेत्र हो, या देश के अंदर गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, अलग अलग क्षेत्र में जो भूतपूर्व प्रगति भारत ने की है, इस प्रगति को वास्तव में एक विकसित भारत के अनुरूप प्रगति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जिस राज्य की सर्वाधिक भूमिका हो सकती है, हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। उस राज्य उत्तर प्रदेश के हम सब वासी हैं, और हम भी भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर पा रहे हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस यात्रा को प्रारंभ किया है वह पूरे प्रदेशवासियों के सामने है। हर प्रदेशवासी आज इस बात को जानता है, आज हमारे सामने पहचान का संकट नहीं है, पहचान का संकट हमारे सामने नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का नागरिक जहां कहीं जाएगा, देश की भावनाओं के अनुरूप जो पहचान उत्तर प्रदेश के नागरिकों की होनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेशवासियों की होनी चाहिए थी, उस पहचान के लिए जिसके लिए मोहताज होना पड़ा था, आज उससे उभर करके हम लोग भी कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। भारत की आत्मा जिस प्रदेश में बसती है उस उत्तर प्रदेश के वासी हैं। इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम के एक नई पराकाष्ठा के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, ईमानदारी के साथ प्रक्रियाओं को जोड़ने का एक कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता है, और उसी का परिणाम हम सबके सामने आज देखने को मिलता है।
आज प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बेहतर स्थिति, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के प्रसेप्शन को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश को सुरक्षा के इस बेहतर माहौल को देने वाले जिन वीरों ने, पुलिस के जवानों ने अपना योगदान दिया, बहुत सारे जवान शहीद हुए, उन्होंने बलिदान दिया अपने आप को, अपने आप का बलिदान दे दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। संकल्प के साथ मैं उन सभी वीर जवानों को इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था का प्रदेश बनने के कारण आज निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी स्थापित हुआ। आपने देखा होगा इस वर्ष हम लोगों ने प्रदेश के अंदर फरवरी में 10 से 12 फरवरी के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, जिस उत्तर प्रदेश में लोग आना नहीं चाहते थे, इस उत्तर प्रदेश के बारे में मान्यता थी कि यहां लोगों में विकास की कोई सोच नहीं, उसी उत्तर प्रदेश में एक नहीं दो नहीं बल्कि अब 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। भाइयों बहनों, 36 लाख करोड़ का मतलब जमीनी धरातल पर जब निवेश नीचे उतरेगा, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी की गारंटी देगा, 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी देने वाला होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ाए। उत्तर प्रदेश का नौजवान तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके, 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है, उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं, अलग अलग स्तर पर स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने और रोजगार के अवसर को सृजित करने के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज भारत के लिए गर्व की बात है कि इस बार G20 की मेजबानी करने का मौका जो है इस बार भारत को मिला है।